गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स, द ऑथेंटिक टेस्ट इन टाउन, जहां आप दम पुख्त कुक अखा बकरा, रान शोल्डर, फूड कुक अंडरग्राउंड फॉर 5 आवर्स, सी फूड, स्पेशल फ्रेंच एंड अरेबिक डेजर्ट, इंडियन स्वीट के साथ मॉकटेल एंड बेवरेजेस का लुत्फ उठा सकते हैं। गजीबो अब न्यू मैनेजमेंट के साथ पॉकेट फ्रेंडली भी है, विद प्लेजेंट एम्बियंस, वाइड रूम स्पेस विद 2 दस्तरखान, सिटिंग कैपेसिटी 8 to 18, इवेंट एंड पार्टी स्पेस सिटिंग कैपेसिटी 120+, पार्किंग अवेलेबल। द ऑथेंटिक मुगलाई टर्किश अरेबिक टेस्ट इन टाउन, गजीबो धाबा एंड मल्टी क्विजिन रेस्टोरेंट्स। आज ही आए, हम आपका खैर मकदम करते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई से सटे पालघर में 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा का गला रेत कर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या के बाद सन के आशिक ने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। साल 1994 में महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 29 साल बाद गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि हत्या के बाद ये फरार हो गए थे। आरोपी का नाम अनिल और सुनील है। अब इन्हें यूपी के वाराणसी से गिरफ्तार किया गया है। महाराष्ट्र के ठाणे में लिव इन पार्टनर की हत्या के मामले में कल्याण शहर से ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि दोनों काफ़ी दिनों से अलग भी रह रहे थे। मृतका का नाम सारिका कोलवकर और आरोपी का नाम विजय जाधव है। 11 लाख रुपए इनामी मोस्ट वांटेड महिला माओवादी ने शनिवार को महाराष्ट्र पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। गढ़चिरौली पुलिस ने बताया है कि 14 साल की उम्र में रजनी उर्फ कलावती 2009 में लाल समूह में शामिल हुई थी। रजनी पर छत्तीसगढ़ में 5 लाख और महाराष्ट्र में 6 लाख रुपए इनाम रखा गया था। यूपी के गाजियाबाद में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ उसी के मामा ने अश्लील हरकत की और लड़की जब इसका विरोध कर चिल्लाना शुरू की तो उसके मामा ने लड़की का मुंह दबाकर उसे मार डाला। पुलिस ने इस मामले में चचेरे मामा इमरान 30 वर्षीय को गिरफ्तार किया है। दिल्ली दंगे में जेल गए शाहरुख पठान को 3.5 साल जेल में रहने के बाद उसे अब जमानत मिल गई है। दिल्ली दंगों के दौरान शाहरुख पठान पिस्टल लेकर गोली चलाते हुए देखे गए थे। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। इसराइल पर हमास ने शनिवार को 20 मिनट में 5,000 रॉकेट दागे हैं। 24 घंटों में मौतों का आंकड़ा इसराइल में 300 है। वहीं जवाबी हमले में गाजा में 230 लोगों की मौत हो गई है। वहीं ईरान में बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए मार्च निकाला है। बताया जा रहा है कि गाजा में इसराइली कब्जे के खिलाफ ये मार्च निकाला गया था। जेल में बंद नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। ईरान में महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली मानव अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के चिलीबैक शहर में एक छोटा सा विमान हवाई अड्डे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है।